नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 41 NM टॉक। दोस्तों आज के जो वीडियो के सब्जेक्ट है ये है जो देसी जी वैगन 4x4 लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका काफ़ी डिटेल्स दूंगा, आपको गाड़ी के बारे में बताऊंगा, इसका लॉन्च टाइम, प्राइस और ये किस सेगमेंट में आने वाला है, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके टीम 41 का हिस्सा बनिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइबर वाली चैनल बनाते हैं। और साथ में आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। यहाँ से वीडियो आगे बढ़ाते हुए, दोस्तों जो पिकअप ट्रक होता है ये अलग होता है और लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक ये अलग होता है। तो लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक इंडिया में पहला लॉन्च किया था टाटा ने, टाटा ज़ेनॉन XT के नाम से। उसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटवे आया, इसके बाद आया जो रियल पिकअप ट्रक बोलते हैं ना, जो लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक, ये आया था वी क्रॉस। उसके बाद एकदम हाई एंड पिकअप ट्रक जो इंडिया में आया वो है टोयोटा हाइलक्स। अब इंडिया में सिर्फ दो ही पिकअप ट्रक बचे हुए हैं जो है इसुजू वी क्रॉस और टोयोटा हाइलक्स। वी क्रॉस शुरू होता है 20 लाख से एक शोरूम और हाइलक्स शुरू होता है 30 लाख 40,000 से। अब यहाँ पे जो छोटे पिकअप ट्रक्स थे जो 10-15 लाख अफोर्डेबल, ये दोनों अब बन नहीं रहे हैं। तो जो पिकअप ट्रक पसंद करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, फोर्स मोटर बहुत ही जल्द 4x4 लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक लेके आने वाली है। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल पिकअप ट्रक होगा। अब गाड़ी के मैं डिटेल बताऊं तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया बेस स्क्रैच से शुरू किया हुआ गाड़ी नहीं है। ये फोर्स मोटर का एक MPV आता है जो 8 सीटर है, जो जिसका नाम क्रूजर है। ये काफ़ी लंबी गाड़ी है तो फोर्स ने क्या किया है, इसका जो सेकेंड रो के बाद के हिस्से को निकाल के इसको बना दिया लोडिंग बे। ये हमको कैसे पता चलता है, जब आप कोई भी पिकअप ट्रक देखते हो जैसे ज़ेनॉन हो गया, इसुजू हो गया, आपको देखते हो कैबिन एक बॉडी पे लगा होता है, लोड बे पे लगा होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यू है गाड़ी। तो इससे हमें पता चलता है कि इसको कस्टमाइज़ किया गया है, उन्होंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। और जो टेल गेट है वो टेल गेट साइडवाइज खुलता है, ना कि दूसरे पिकअप ट्रक की तरह नीचे की तरफ। और जो टेल लाइट है वो सेम क्रूजर से है। तो ये हो गई गाड़ी की लुक की बात, गाड़ी कहाँ से आई। अब मैं बताता हूँ कि गाड़ी के जो इंजन है ये सेम इंजन है जो मर्सिडीज से सोर्स किया गया है, 2.6 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। और इसकी जो पावर रहेगा 90 bhp तक रहेगा और इसका जो टॉर्क है 250 Nm टॉर्क रहेगा। अब इसके अलावा जो इंटीरियर की बात करूँ तो आप देख लीजिए, सीधा गुरखा जो है उसको उठा के अंदर रख दिया है, गुरखा का इंटीरियर ही होगा और फ्रंट प्रोफाइल कम्प्लीटली गुरखा जैसे होगी। तो ये सब लुक के बाद हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स गुरखा 4x4 पिकअप ट्रक होगा ये कम्प्लीटली जी वैगन का जो 6x6 C63 पिकअप ट्रक है उसकी तरह से दिखेगा। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गाड़ी एकदम नया है मार्केट में, पहले किसी ने नहीं देखा। नहीं, इससे पहले डिफेंस एक्सपो में इस गाड़ी को दिखाया गया था। इंडोनेशिया की एक कंपनी है रिपब्लिक मोटर्स, इनके साथ मिलकर फोर्स मोटर ने एक गाड़ी बनाई थी CIA पिकअप ट्रक और इसका नाम था कैस्ट्रिया और इस नाम से मिलिट्री के लिए गाड़ी बनाया था। तो ये मिसाइल लॉन्चिंग और ऐसे हेवी ड्यूटी आर्मी के काम के लिए बनाया था। उस टाइम काफ़ी लोग चाहते थे कि इसको पैसेंजर व्हीकल भी बनाया, लोगों के लिए मार्केट में सिविलियंस के लिए निकाला जाए। ये सब सुनते हो फोर्स ने इस गाड़ी को कमर्शियल स्पेस माने जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस के लिए रिलीज़ करने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि इसके जो टेस्ट मॉडल है बिना कैमोफ्लेज के मार्केट में आ रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि पैसेंजर जो कमर्शियल पिकअप ट्रक और जो लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो कमर्शियल पिकअप ट्रक होता है ये 2 डोर या 4 डोर हो सकता है और इसके जो लोड बे होता है ये 1 टन या उससे ज़्यादा होता है। और इसके इंटीरियर में कुछ खास नहीं होता है, नॉर्मली जैसे ट्रक का इंटीरियर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, ये एकदम रगड यूज़ के लिए लोड कैरिंग के लिए होता है। लेकिन जो लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है ये ऐसे नहीं होती, काफ़ी स्टाइलिश होती है, इसकी इंटीरियर आपके नॉर्मल जो हाई एंड SUVs होता है उसकी तरह होता है, आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं और इसका जो लोड बे होता है वो 1 टन या उससे कम होता है। इंडिया में कुछ स्टेट्स में 1 टन से ऊपर वाली गाड़ी को जो बोलते हैं कमर्शियल इस पे रजिस्टर किया जाता है, उसको आप पैसेंजर गाड़ी के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे एक स्टेट में जानता हूँ जहाँ पे केरला में, अगर आपको पैसेंजर सेगमेंट में जो वाइट बोर्ड होता है उसमें आपको अगर रजिस्टर करना है तो गाड़ी का वेट 1 टन से नीचे होना चाहिए। इसी की वजह से इसुजू ने अपनी गाड़ी को केरला में जब लॉन्च करा तो 1 टन से नीचे रखा हुआ है, उन्होंने कुछ 1 ग्राम या 1 kg कुछ कम किया है,
लेकिन वहाँ पे टोयोटा हाइलक्स को आप जो बोलते हैं वाइट बोर्ड पे रजिस्टर नहीं कर सकते। अब ये हो गया कमर्शियल और इसकी बातें, तो इसके साथ मैंने मैक्सिमम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन था मैंने कवर किया है, और आपको फोर्स गुरखा 4x4 पिकअप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, आप जो भी वीडियो हमारे इस सब्जेक्ट में आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, हम वहाँ डिस्कस करते हैं कि फोर्स गुरखा 4x4 एक सक्सेसफुल व्हीकल होगी, इसकी लुक और प्रैक्टिकलिटी लोग को पसंद आएगा या नहीं, और इसका प्राइस क्या होना चाहिए। मेरे मुताबिक ये 16-18 lakhs ऑन रोड होना चाहिए, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ये सब डिस्कस कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे टीम के हिस्सा बन सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग 41 NM टॉक, हैव अ वंडरफुल डे।